जी नाउ वी विल सी आईसीटी प्रोवाइड्स एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डायवर्स टीचिंग मेथोडोलॉजीज देखिए अगर हम ये मैनेज कर पाए कि हमारे सारे इदारों के अंदर ई के लिए टेक्नोलॉजी फ्राहम हो जाए तो हम बहुत से फ़वाद हासिल कर सकते हैं सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ आई सी टी इन दैट इट केटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे अपनी पेस के मुताबिक अपनी कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी उनको मौका देती है कि वो अपनी पेस पे चले अब देखिए जो बच्चे ज़्यादा लायक हैं वो तेज़ी से जा सकते हैं जो थोड़ा डेफिशेंट हैं वो कम पेस पे जा सकते हैं और फिर यह कि उनके लर्निंग स्टाइल्स भी तो डिफरेंट है ना कुछ लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं कुछ देखने से सीखते हैं कुछ करने से सीखते हैं तो यहाँ पे उनको हर तरह के मौके मिलते हैं कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से सीख ले तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि आई सी टी अलाउज़ फॉर डिफरेंशियट इंस्ट्रक्शन डिफरेंशियट इंस्ट्रक्शन ये है कि जिस तरह के बच्चे हैं मुख्तलिफें रखने वाले उसी तरह की उनकी इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए अब बच्चे चूंकि मुख्तलिफ तरह के रिसोर्स पर एक्सेस रखते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू तो वो अपनी मर्जी से अपने लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीख सकते हैं ठीक है वो वीडियो देख सकते हैं वो कोई गेम खेल सकते हैं वो कोई आर्टिकल रीड कर सकते हैं कोई पढ़ सकते हैं कुछ वो तस्वीरें देख सकते हैं वो बोल के एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सिमुलेशन देख सकते हैं इतने बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनमें से वो अपनी मर्जी का कोई अंदाज सेलेक्ट कर सकते हैं और सीख लेते हैं दूसरा फायदा यह है कि आई सी टी एनेबल्स कलेबोरेटिव लर्निंग जैसे मैंने अर्ज किया आप बेशक अपने कंप्यूटर के सामने अकेले हैं लेकिन आप दूसरों के साथ उसको शेयर करते हैं जब बहुत छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक गेम खेल रहे हैं एक एक कमरे में बैठा है दूसरा दूसरे कमरे में लेकिन वो मिल खेल रहे हैं और इसी तरह बहुत सी ऐसी गेम्स है, बहुत सी ऐसी है, हैं बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं ऐप्स हैं जिसमें बच्चे कोलेबोरेटिवली शेयरली काम करते हैं टीचर्स के साथ कलेबोरेटिवली सीख रहे हैं पेरेंट्स के साथ सीख रहे हैं और एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं अपनी चीज़ें खुद तैयार करते हैं फिर वो पोस्ट करते हैं लोग उनको अप्रीशियेट करते हैं सो so, उनका एक एक्सपोयर बन गया ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे वो ज़्यादा सोशल हो सकते हैं लेकिन जहन रखिए एक बात जहन में रखिए कि ये एक्सपोयर uh, जो है वो इस हद तक तो, तो है कि वो तहरीर से या वो यानी आप जो समझें कि पोस्ट करके वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं लेकिन जो फिजिकल उनके मूवमेंट्स हैं उनकी, है, उनकी जरूरियात वहीं की वहीं रहेंगी देन आई सी टी प्रमोट एक्टिव लर्निंग अब जैसे मैंने अर्ज किया अगर कोई गेम चल रही है बच्चा एक एक सेकंड के अंदर डिसीशंस लेता है बड़ा एक्टिवली वो एंगेज रहता है उसके अंदर आप कभी नहीं देखते कि वो गेम खेलते हुए या कोई ऐप हल करते हुए इधर उधर देख रहा हो उसको अपना अपने आप को कंसनट्रेट रखना पड़ता है उसके अंदर स्टूडेंट्स एंगेज इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड सिम्यूलेशन जो जैसे हमने आज किया बहुत सी ऐसी हैं साइंस पे मबनी मैथमेटिक्स पे मबनी जिनमें बच्चे खुद से उसको सॉल्व कर रहे होते हैं लॉजिकली चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं देन वर्चुअल लैब्स इंटर एक्टिव सिमुलेशन एंड मल्टी मीडिया रिसोर्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एक्सपैरमेंट एंड एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट इन अ डायनामिक एंड एंगेजिंग वे तो जब आप टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल की तरफ जाएंगे और हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो बच्चे को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो डिसीशन मेकिंग भी करेगा एक्सप्लोर भी करेगा एक्सपीरियंस भी करेगा अपनी कॉग्नेटिव एबिलिटीज को भी इस्तेमाल करेगा और वो फिर देखेगा क्या कहाँ वो गलत है कहाँ वो ठीक है आगे बढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको मुसलसल री मिल रही है सो so उसको मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी अपने अंदर एंगेज रखती है स्टूडेंट्स कैन इजीली एक्सेस डिजिटल लाइब्रेरीज डेटाबेसेस एंड एजुकेशनल टू गैदर इंफॉर्मेशन कंडक्ट रिसर्च एंड एनहांस देयर लर्निंग देखिए रिसोर्स से भरी पड़ी है टेक्नोलॉजी अगर आप बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं तो पत्ते कितनी तरह के होते हैं पत्तों की शक्लें इकट्ठी करो आप गूगल से तस्वीरें इकट्ठी करो चार तस्वीरें डाउनलोड करो तो बच्चा जो है वो तरह तरह के रिसोर्सेज पर एक्सेस रखता है वो डिजिटल लाइब्रेरीज पर एक्सेस रखता है उसको बुक्स मिल सकती हैं तस्वीरें मिल सकती हैं वीडियोज मिल सकती हैं और उसको ऑडियो टिप्स मिल सकती हैं उसको इतना कुछ मिल सकता है बशर्ते के आप उसको उनका सही महदूद और टू द पॉइंट टारगेटेड इस्तेमाल सिखाएं तो पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी से इस्ता किया जा रहा है वो जो भरपूर कर रहे हैं वसाइल मुकम्मल तौर पर उन्होंने दिए हुए हैं और बच्चों के लिए ट्रेंड इस हैं जाहिर है वो सूरत में आगे निकलेंगे और वो लोग जो इस पर तो नहीं दे रहे टाइमली इन चीज़ों को नहीं सीख रहे को अपडेट नहीं कर रहे रिसोर्स फ्राहम नहीं कर रहे वो पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है और शुरू से ही अपने बच्चों को इससे आगाह कराना है लेकिन अपने लिमिटेशंस को सामने रखते हुए